गुड मॉर्निंग प्लस टू बच्चों, आज इस मैथ्स क्लास में हम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 का पेपर कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 27th लेक्चर है। इससे पहले हमने 2011 से लेकर 2018 तक के जो पेपर हैं वो कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। सेक्शन सी तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन डी हमने आज स्टार्ट करना है। तो सेक्शन डी का जो सम है वो क्या, आपका एरिया अंडर दिखा, उसका ये मैक्सिमम मिनिमा का सम है। तो इसमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ये हमारी एलिप्स थी। ठीक है, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाई हुई है, एलिप्स मैंने बना दिया हुआ है और इसमें एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये रेक्टेंगल बनी हुई है आपके पास पी आर क्यू पी एस। ठीक है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल बनी हुई जो कि मैं येलो शेड कर रही हूँ इसमें। तो जो ये डिस्टेंस मैंने लिया है यहाँ से, वो ए जो डिस्टेंस मेरे पास एक्स है, ठीक है बच्चों, वो और ए पी जो डिस्टेंस है वो वाई है। तो जो रेक्टेंगल की पूरी लेंथ मेरे पास जो है, जो लेंथ जो है मेरे पास पी एस जो है वो टू क्यू हो जाएगी और जो इसकी ब्रेथ है वो आपके पास टू वाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जो एलिप्स है यहाँ से मैंने वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ टू एक्स इंटू टू वाई दैट इज़ फोर एक्स वाई आ गया आपके पास। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको स्क्वेयर कर देना। आप स्क्वेयर करने का ये फ़ायदा होगा, हमें अंडर रूट से हम बच जाएंगे इसमें। तो ये वाई स्क्वेयर की वैल्यू इसमें पुट कर दें आप। तो इस तरह से आप देख रहे हैं आपके पास ये जो फंक्शन बना, ए स्क्वेयर का जो फंक्शन बना वो एक्स का फंक्शन बन गया। ठीक है, 16x² बी स्क्वेयर इंटू 1 - x² अपॉन ए स्क्वेयर, इसको कॉल देना आपने। कॉन्स्टेंट को बाहर रख लेना है, बाकी एक्स के टर्म्स को अंदर रख लेना आपने, इस तरह से कॉल देना है। ठीक है बच्चों, अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने तो एक्स स्क्वेयर का जो डेरीवेटिव है वो 2x आ गया आपका। ठीक है बच्चों, और एक्स फोर का डेरीवेटिव 4x³ आ गया। ये कॉन्स्टेंट एज इट इज़ पड़ा रहा आपके पास। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 16b² इंटू 2 - 12x² अपॉन a² ठीक है बच्चों। अब जो मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं। इसको जीरो पुट किया आपने तो x की दो वैल्यूज आएंगी। x जीरो नहीं हो सकता आपके पास क्योंकि लेंथ है, तो इसलिए x² की वैल्यू क्या आएगी, a² / 2। और इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आप चेक कर रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है आपके पास। ठीक है, आप इसमें सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देखेंगे इसमें वैल्यूज, तो आपके पास आप क्या चेक कर रहे हो, इसमें ये नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स जो a² इज मैक्सिमम हो गया। ठीक है, इट मीन्स एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्सिस 4xy जो था आपके पास, यहाँ पर हमने x एंड y की वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू अभी ये निकाली आपने, a² / √2 है ना, और y आपने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, इनको सॉल्व करके आपके पास आएगा 2ab² यूनिट्स। ठीक है बच्चों, 2ab² यूनिट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी का सम। स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनना बच्चों। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 3000 साइकिलिस्ट्स। ठीक है, 3000 साइकिलिस्ट्स हैं, 6000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं और 9000 कार ड्राइवर्स हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ साइकिलिस्ट स्कूटर ड्राइवर एंड कार ड्राइवर आर 0.3, 0.5 and 0.2 रिस्पेक्टिवली। ये आपको गिवन है। ठीक है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ ए साइकिलिस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ए को लिया इंश्योर्ड पर्सन साइकिलिस्ट है, बी को लिया स्कूटर ड्राइवर है, थर्ड लिया हमने सी को कार ड्राइवर लिया, और जो ई हमने लिया इंश्योर्ड पर्सन जो है एक्सीडेंट उसका होगा ही होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बच्चों आपके पास, ये आपको गिवन है। थ्री जो साइकिलिस्ट है वो कितने, 3000 है, तो टोटल 3 + 8 + 9 आप करेंगे। ठीक है, तो 3 + 8 + 6 करेंगे, 3 + 6 + 9 आप करेंगे तो टोटल 18000 ये बन जाते हैं। तो ये आएगा 3000 / 18000 दैट इज़ 1/6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो ये आएगा 6000 / 18000 इज इक्वल टू 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी करेंगे तो ये आएगा 9000 / 18000 इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए। ठीक है, आपको गिवन है ये 0.3, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी 0.5 है, ये 0.02 आपको गिवन है। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है कि वो साइक्लिस्ट होना चाहिए, तो ए वाला जैसे ही लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आपने निकालनी है, इस पर हमने बेयस थ्योरम का फार्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए, और डिनोमिनेटर में हमने लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन सी। तो ये फार्मूला लगा के आपने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है।
तो ये आएंगे 1/6 क्रॉस 0.03 अपॉन 1/6 क्रॉस 0.03 नहीं है 0.3 है, ठीक है बच्चों, प्लस 1/3 क्रॉस 0.05 प्लस 1/2 क्रॉस 0.02। इस तरह से आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15/23, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट सम आपके पास मैट्रिसेस का है, आपने इनवर्स निकालना है, इस गिवन मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है बाय एलिमेंट्री रॉ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका क्या मेथड होता है बच्चों, आई ए इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं, तो जो कि मैंने पहले लिख दिया हुआ सारा ए इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि आपको जो फर्स्ट एंट्री है ये वाली एंट्री जो है इसको 1 लेकर आना है, तो इन दोनों रोज को हमें इंटरचेंज कर देना है आर वन एंड आर थ्री को, जो कि मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया हुआ पहले ही, ठीक है बच्चों, आर वन एंड आर थ्री को इंटरचेंज करना, दोनों में ही करना है आपने, लेफ्ट में भी करना है और राइट हैंड साइड में भी सॉल्व करना है, लेफ्ट में भी करना है और राइट में भी करना है। अब हमें जो हमारा जो फोकस है इन दोनों एंट्रीज को जीरो बनाना है, ठीक है, पहले मैं 3 को जीरो बनाऊंगी इसमें, तो मैंने ऑपरेट किया आर टू माइनस 3 आर वन, क्या ऑपरेट करा मैंने, आर थ्री माइनस 2 आर वन ऑपरेट किया, दोनों साइड्स में ऑपरेट करना बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट रो और थर्ड रो को एज इट इज़ लिख दिया पहले ही, क्योंकि मैंने आर टू चेंज करना है, ठीक है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये बनेगा 0 और ये बनेगा 2 माइनस, इसको माइनस करेंगे 2 माइनस 3 करके, तो ये माइनस 1 आएगा, इस तरह से ये 2 आ जाएगा। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड में ऑपरेट करेंगे, आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब जो मेरा फोकस है इस 2 को जीरो करना है, ये थर्ड रो में है, तो मैंने ऑपरेट किया आर थ्री माइनस 2 आर वन, तो इसी तरह से मैंने दो रोज को पहले लिख दिया हुआ है, थर्ड रो में अब चेंज कर रही हूँ, ये आएगा 0 माइनस 5 9, आप टैली कर लेना इसको 1 0 एंड माइनस 2, आप इसको चेक कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, आर थ्री माइनस 2 आर वन करेंगे तो आपके पास ईजिली आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जो मेरा फोकस है वो क्या है मेरे पास, ये जो आर टू है, ये वाली एंट्री जो है ना, ये वाली नीचे वाली एंट्री आर थ्री की जो है, ये एंट्री है माइनस 5, इसको जीरो करना है, तो मैंने ऑपरेट किया आर थ्री मेरी चेंज हो गया आर थ्री माइनस 5 आर टू, पहले की तरह ही मैंने दो रोज एज इट इज़ लिख दी हैं, थर्ड रो में चेंज कर रही हूँ, तो ये मेरे पास जीरो बनेगा, ये भी जीरो आ गया, ये माइनस 1 आ गया और 1 माइनस 5 एंड 13 आ जाएगा, इसको बच्चों आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आर थ्री में से माइनस को कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास आएगा 0 0 1, ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड में माइनस 1 माइनस कॉमन ले रही हूँ सिर्फ मैं, ठीक है बच्चों, माइनस 13 हो गया, क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, आर वन प्लस 2 आर थ्री करना है, ठीक है, इसको जीरो करना है मैंने, ये मेरा फोकस अब इस एंट्री को जीरो करना, ठीक है, तो आर वन चेंज होगी मेरे पास प्लस 2 आर थ्री, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं, तो ठीक है, आर वन प्लस 2 आर थ्री करेंगे इसमें, तो इसका जो मेरे पास ये बनेगा आर वन चेंज होगा, देखो बच्चों मेरे पास, ठीक है, तो ये आएगा 1 आर वन, ठीक है, ये 0 बन जाएगा आपका आर वन प्लस, सॉरी कितना करना, आर वन प्लस 2 आर थ्री करेंगे, सॉरी ये तो 1 ही रहेगा आपका, और ये माइनस ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, बाकी दोनों रोज एज इट इज़, 0 माइनस 1 एंड 2, 0 0 एंड 1, ठीक है। इसी तरह से मैं ये करती हूँ, यहाँ पर भी 0 1 एंड माइनस 3 लिख देती हूँ पहले, ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो। तो आर वन प्लस 2 आर थ्री करा मैंने, आर वन प्लस 2 आर थ्री करा, तो ये माइनस का 2 आ गया और ये 10 आ जाएगा आपका, और ये माइनस 25 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है। अब जो मेरा फोकस है आर टू को चेंज करना, इस ये आर टू आप देख रहे हो बच्चों, इसको मैंने जीरो करना है, आर टू में लाई करें, आर टू माइनस 2 आर थ्री करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा बनेगा मतलब 1 1 0, फर्स्ट हो तो एज इट इज़ माइनस 2 10 एंड माइनस 25 और ये एज इट इज़, ठीक है, और जो आर थ्री है वो भी मेरी एज इट इज़ मैं कर देती हूँ, आर टू मेरी चेंज होगी, इसमें आर टू माइनस 2 आर थ्री किया मैंने, तो ये तो 0 ही आएगा और यहाँ पर ये माइनस 1 ही आएगा आपका और ये 0 हो जाएगा, और इधर से करेंगे आर टू आपका कितना है 0 और ये कितना बनेगा माइनस 2 आर थ्री करेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये आर टू आपका 1 है, 1 माइनस 20 करेंगे, सॉरी माइनस ये 2 करेंगे यहाँ पर, माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और ये बनेगा 23, आर टू कितना आपका 3 माइनस 3 और प्लस 26 करेंगे तो प्लस का 23 आ जाएगा बच्चों, आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस एंट्री को जीरो करना है, ये वाली एंट्री को, ठीक है बच्चों, तो इसमें करेंगे आर वन प्लस आर टू, तो ये बनेगा 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 1, ठीक है बच्चों, और राइट हैंड साइड में
आर वन प्लस आर टू करेंगे 0, 1 एंड माइनस 2, 2 माइनस 9 एंड 23, आप ध्यान से करते जाना इसको, ठीक है, ऐसे करना बच्चों आपको। अब ये जो आर टू, इसमें से माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, माइनस आर टू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है बच्चों। और इधर से कितना आएगा, 0, मतलब आर टू में से मैं क्या कॉमन ले रही हूँ, माइनस कॉमन ले रही हूँ, तो माइनस 2 9 एंड माइनस 23 आ गया, माइनस 1 5 एंड माइनस 13 इंटू ए आ गया, ठीक है बच्चों। देखो इधर से आइडेंटिटी बन गई, तो ये आपका इन्वर्स आ गया। आप इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। और इसका एक और पार्ट आया था जो कि काफ़ी सिंपल सम है, इसको लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है, आपने इन्वर्स निकालने मैट्रिक्स का, जो कि आप कई बार कर चुके हो। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने पहले लिख दी हुई है, ठीक है। ये ए हो गया आपके पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी आ गया, तो एक्स क्या होगा, ए इन्वर्स बी होगा। तो ए इन्वर्स बच्चों जैसे कि पता आपको एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप इसको चेक करेंगे 67 आ जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए मैंने पहले ही डिराइव करके लिख दिया हुआ है, आप इसको टैली कर सकते हैं। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इस तरह से, देखो सारा ये मैंने कर दिया हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारा सॉल्व करेंगे, तो आपके पास 3 - 2 एंड 1 आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो गया, ठीक है। ये सब काफ़ी सिंपल, आप इसको कर सकते हैं, आंसर अपने आप टैली आप कर लेना, ठीक है बच्चों। अदरवाइज लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। अब जो 27 सम है, ये भी काफ़ी अच्छा सम है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x एंड द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9/4। तो ये सर्कल मैंने बना लिया है पहले ही, पैराबोला भी बना लिया है, ठीक है। ये पैराबोला और ये सर्कल आपके पास, और जो येलो शेड आपको दिखाई दे रहा है उसी का रीजन आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये वाला पोर्शन और ये दो पोर्शन जो दोनों सेम है, तो हमारा जो एरिया होगा रिक्वायर्ड वो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ कर देंगे इसको सारा हम, मतलब ट्वाइस ऑफ यहाँ से यहाँ तक लेना हमने ऊपर से, ठीक है, फिर ट्वाइस ऑफ दिस कर देंगे हम इस तरह से। तो इस तरह से आपके पास ये नीचे वाला एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, आपने एक तो आपने रेडियस निकालना है, रेडियस हमने देखा कि 3/2 आएगा, तो ये जो पॉइंट बना कॉर्नर पॉइंट ए बना मेरे पास 3/2 जीरो बना, रीजन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, और ये जो मैंने पॉइंट लिया बी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके पास सर्कल का और पैराबोला का, इन दोनों को बाई स्क्वेयर की वैल्यू जैसे इसमें मैंने डाल दी, इसको सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती आपके पास, क्योंकि वाई ये पैराबोला पॉजिटिव है सारा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है 1/2 ही लेनी है आपने। तो इस तरह से जो एक्स की वैल्यू आपके पास 1/2 है, ठीक है बच्चों, तो वाई कितना है प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ गया। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए हुए हैं जो मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो जो हमारा एरिया होगा, अब मैं वो एरिया लिख रही हूँ, रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ, ये देखो मैंने आपको पहले ही बताया था 0 से 1 के बीच में जो कर्व है वो अंडर पैराबोला है, और 1/2 से लेकर जो ये 3/2 तक है वो अंडर द सर्कल है, ठीक है बच्चों। तो मैं यही लिख रही हूँ इसमें, आप ध्यान से देखना, 0 to 1/2, ठीक है, और ये आएगा 2√x प्लस 1/2 से लेकर 3/2 तक सर्कल के अंडर है, तो ये आएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, आप कई बार इसको कर चुके हैं फार्मूले को, ठीक है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रही हूँ, तो ये बनेगा 2 into एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है बच्चों। इसकी लिमिट्स आप पुट कर देना, इसकी लिमिट्स हैं 0 से 1/2 प्लस फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको अच्छे से याद है, एक्स बाई टू 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, तो ये कितना है एक्स अपॉन 3/2, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी क्या करनी है, सारी लिमिट्स इसकी डाल देनी है इसमें, ठीक है। इसकी जो लिमिट्स होंगी आपके पास वो है 1/2 से 3/2। इसको अब बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लेना सारा, जब सारा सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो आएगा वो मैं लिख देती हूँ, √2/6 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ही आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बच्चों। इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना कैलकुलेशंस। इसके बाद अब फिर एरिया अंडर द कर्व्स का समय और पार्ट आया था आपके पास। आपने एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस, 3 लाइनें गिवन आपको ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया बनता है यही आपको निकालना है। तो इसका मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पहले बता देती हूँ, 3 लाइनें गिवन आपको, हम ये तीनों लाइंस पहले ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, फिर ये दो दो लाइनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, जैसे ये निकाला, फिर इस लाइन को सॉल्व के ये निकाला, फिर इन दोनों को सॉल्व करके थर्ड पॉइंट निकाला, ठीक है, इस तरह से करना है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन आपके पास है 3x-2y+1=0, तो एक बार आपने x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है, तो इस तरह से आपने ये पॉइंट्स निकाल लेने हैं। इस तरह से सेकंड लाइन में एक बार x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, थर्ड लाइन में एक बार x को y को 0 पुट करके, ठीक है। इस तरह से फिर दोनों लाइनों फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को सॉल्व करना, जैसे ही मैंने अभी बताया लीनियर इक्वेशंस को जैसे आप सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करना आपने, तो x की वैल्यू 3 आएगी, y की 5 आएगी। सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे 6 और 3 आ जाएगा, थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे 1 एंड 2 आ जाएगा, तो जिसका ग्राफ मैंने पहले ही बना दिया हुआ, ठीक है बच्चों। तो जो फर्स्ट लाइन आपके पास आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट लाइन थी 3x-2y+1=0 जो था आपका, ये वो लाइन बनेगी आपकी, ये वाली ग्रीन वाली लाइन, ठीक है, 3x-2y+1=0। ये पॉइंट्स प्लॉट करके, ठीक है, -1/3x को -1/3, वाई को 1/2 लेके इनको ज्वाइन कर देना आपने, ठीक है, जो कि मैंने ज्वाइन कर दिया हुआ इस तरह से। इस तरह से मैंने तीनों लाइनें बना दी जो कि आप इजीली बना सकते हैं। और जो येलो शेड मेरे पास आया, आप देख पा रहे हैं येलो शेड जो देख पा रहे हैं, ये हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अभी हमने फाइंड आउट किए ऊपर, ये वाले मैंने लिख दिए यहाँ पर, तो ए मेरे पास आएगा 1/2, ठीक है, 1 ए आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ से ये दो, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला येलो शेड वाला, इतना मैं आप देख पा रहे हो जो मैं अभी इसको कर रही हूँ, ठीक है, दोबारा से इसको अंडर कर रही हूँ इसको, तो इसमें से आप देख रहे हो जो एरिया अंडर दिस लाइन है, ए से बी तक का जो एरिया है वो अंडर दिस लाइन, वो आएगा आपका 1 से लेकर 3 तक एरिया जो सा वो ए बी लाइन के अंडर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बी सी लाइन के अंडर जो एरिया हमारा आ रहा है 3 से 6 तक का है, ठीक है। फिर क्या करना, माइनस आपने करना है, माइनस क्या करना है, ये जो मैं ग्रीन से कर रही हूँ शेड, ए से लेके सी तक, मतलब 1 से लेके 6 तक का एरिया अंडर ए सी लाइन है, ठीक है। तो वो इस तरह से आपने इसको करना है सारा, ठीक है बच्चों। तो मैं अब इसका रिक्वायर्ड एरिया आप लिख रही हूँ, रिक्वायर्ड एरिया जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये 1 से 3, ये देखो 1 से 3 एरिया अंडर द लाइन ए बी है, ठीक है। और ए बी लाइन आपकी है, वाई की वैल्यू निकाल लेना इसमें से आप, 3x+1/2, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये देखो, यहाँ से आपने y निकाल लेना है, ठीक है, इस तरह से करना है। तो बड़ा सिंपल सम है, कोई यदि आपकी डायग्राम अच्छे से बन जाती है तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 21x/3dx-1 to 6x+9/5dx। इसके बाद आप इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है, आप इसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो 13/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अपना आंसर टैली कर सकते हैं। नाउ 28 सम है लीनियर प्रोग्रामिंग का, ये सब हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अ डाइटिशियन विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड इन सच ए वे दैट वाइटमिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ वाइटमिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ वाइटमिन सी। तो ये वाइटमिन ए ऐसे लिख लो आप, टेबल बना लो, ये वाइटमिन सी है और इधर से फूड 1 है, इधर से फूड 2 है। तो उसके बाद देखो स्टेटमेंट क्या है, फूड 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 पर केजी ऑफ विटामिन सी। ऐसे ये जो फूड 2 है वो 1 केजी विटामिन ए है, 2 केजी विटामिन सी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये एटलीस्ट वाला तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो फूड ए एटलीस्ट 8 है और फूड सी का एटलीस्ट 10 है। इसके बाद देखो क्या है बच्चों, इफ़ कॉस्ट ₹50 per kg टू प्रोड्यूस फूड 1 और ₹70 per kg टू प्रोड्यूस फूड 2, ठीक है, प्रोड्यूस फूड 2, तो क्या करना है आपने, फार्मूलेट दिस प्रॉब्लम एज ए LPP टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ए मिक्सचर दैट विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डाइट आल्सो फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। तो मान लो कि डाइटिशियन मिक्सिस XKG ऑफ फूड 1 है, ठीक है, और YKG ऑफ फूड 2 मिक्स कर रहे हैं, तो जो हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो जेड क्या बन हमारा क्या, तो ₹50 थी आपके पास, ठीक है, ₹50 per kg थी, तो हमारे पास टोटल एक्स के जी है, तो ये जेड बनेगा 50x+70y और इधर से 2x+ इसको करना आपने, फूड ए का था आपके पास, इस तरह से लेना 2x+y ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो गया और x+2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो गया और x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह जैसे हमने अभी लाइंस बनाई थी, इस तरह से आपने लाइंस बनानी है। 2x+y = 8 की लाइन आपने एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को, इस तरह से x+2y = 10 की लाइंस बनानी है, एक बार x को 0 एक बार y को 0 करना है
और ये जो 2-4 पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये कॉमन पॉइंट है दोनों लाइनों को सॉल्व करके, ठीक है। तो इस तरह से करना आपने, तो इस तरह से यदि आप ड्रॉ करेंगे तो आप इसमें देख पा रहे हैं जो, क्योंकि अब जो रीजन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है आपके पास, तो रीजन वाली साइड नहीं आएगी आपके पास। जो मैंने येलो शेड किया है ये आपका रीजन आएगा, ठीक है बच्चों, ये आपका रीजन आएगा। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं वो आपका एक तो बी बन रहा है कॉमन, जो टू दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, सी आर है 10-0 और ए आर है 0-8। तो ये तीनों पॉइंट्स पर आपने जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो हमने फाइंड आउट किया जेड जोन से ए पर 560 आएगा, बी पर 380 और सी पर 500। तो जो बी पर है वो आप देख रहे हो, उसमें देख पा रहे हैं वो मिनिमम आ रहा है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो आपके पास, अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है ये रीजन सारा अनबाउंडेड आ रहा है आपके पास, ठीक है ये जो रीजन आपका सारा अनबाउंडेड आ रहा है ना, तो हम इस केस में क्या करते हैं, जो जेड होता है हमारा, जेड जो सा था हमारा स्टार्टिंग में क्या था, 50x + 70y था ये आपका, क्योंकि मिनिमम है ना इसमें, तो जेड लेस देन 380 की आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो जेड की वैल्यू 50x + 70y इज़ लेस देन और इक्वल 380 हमने किया, इसका ग्राफ बनाया वही सेम, एक बार आपने इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये एक्स को 0 लिया एक बार, वाई को 0 लिया आपने, और एक ये कॉमन पॉइंट भी आप चेक कर सकते हैं, 2-4 भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी इसमें से भी लाइन पास कर रही है आपकी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं डॉटेड लाइन जो मैंने लगाई है, ठीक है, इसके नीचे जो पिंक वाला शेड आ रहा है आपका, ये लेना है आपने, क्योंकि इसमें लेस देन का साइन है, तो इसमें ओरिजिन वाली साइड कवर होगी आपकी, ठीक है बच्चों, इसमें ओरिजिन की लाइन शेड कवर होगा। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है, जब भी अनबाउंडेड कर्व होती है हमारे पास तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये मिनिमम वैल्यू इसकी है कि नहीं है 380, इसको चेक करने के लिए आप देख पा रहे हैं जो येलो शेड है और जो पिंक शेड है ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं आपके पास, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इट मीन्स जो 380 है वो दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू होगी। सो 380 इज़ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर व्हेन 2 kg of food 1 and 4 kg of food 2 आर मिक्सड, ठीक है, 2 kg of food 1 and 4 kg of food 2 आर मिक्सड है, ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना था। तो ये बड़ा सिंपल होता है, एक बार आपको यदि स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो इसके बाद समझो सर वो कोई मुश्किल नहीं होता। इस तरह से आप इसकी देखो टेबल बना लें, ऐसे फूड्स लिख लें, जो जो वो गिवन होता है वो लिखते जाएँ आप इसको, ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करते जाएँ। इसके बाद आपके पास थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का सम है, ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, आपको गिवन है पॉइंट पी और लाइन गिवन है पैरेलल टू दिस लाइन, जो लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है बच्चों। तो ये जो लाइन इसके पैरेलल होगी इतना पार्ट तो सेम ही होगा, सिर्फ कॉन्स्टेंट डिफर करेगा, ठीक है, और पासिंग पॉइंट आपको ये दिया हुआ है 2, 3 and 2, तो ये बनेगा 2i cap + 3j cap + 2k cap + μ into, ये सारा सेम ही हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स निकालना आपको, तो a1 वेक्टर बच्चों देखो क्या आपका, ये वाला a1 वेक्टर है और ये जो आपका है a2 वेक्टर, ठीक है, और जो आपका b वेक्टर है वो ये वाला हो गया, ये वाला वेक्टर b वेक्टर हो गया। तो सबसे पहले आप a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4i + 2k cap। अब इसके बाद आप फाइंड आउट करें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकाल लें आप, तो ये आएगा i cap j cap k cap 4 0 and 2 2 - 3 and 6 आ जाएगा बच्चों आपके पास, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6i cap - 20j cap - 12k cap आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस क्या होगा आपके पास, डी इज इक्वल टू a2 - a1, ये फार्मूला है इसका, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप सिंपली। तो ये कितना आएगा आपका 6i cap + 20j cap - 12k cap अपॉन, ठीक है, ए जो बी वेक्टर है आपका, ठीक है, बी वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं 2 ये था ना ऊपर देखो बी वेक्टर 2, 3 and 2 - 3 and 6 है, तो ये बनेगा 4 + 9 + 36, चेक कर सकते हैं आप इसको, नीचे ऊपर इसकी मैग्नीट्यूड है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36 + 400 + 144 का अंडर रूट आ गया, नीचे 7 आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 580/7 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इस तरह से करना था। अब इसका एक और पार्ट बचा हुआ वो सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, मैं डायग्राम ही बना देती हूँ इसकी डायरेक्ट, ये देखो आपने ये करना है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पी आपको गिवन है 3, 2, 1
और ये आपका है क्यू पॉइंट, ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3, 2, 1 टू द प्लेन, प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू, ठीक है, एंड द इमेज ऑफ द पॉइंट क्यू ट्रीटिंग दिस प्लेन एज ए मिरर। पी की आपने इमेज भी निकालनी है, ठीक है, ये प्लेन एक मिरर है, तो जो पी की इमेज है इसमें मैं वो ले लेती हूँ आई, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है डी ई एफ। सबसे पहले मेरे को क्यू पॉइंट निकालना है बच्चों, ठीक है, क्यू पॉइंट निकालने के लिए मेरे को पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जो कि पासिंग पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन क्या है, 2, -1 एंड y 1 है, तो इसकी जो प्लेन की इक्वेशन बनेगी आपके पास वो क्या बनेगी, x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा ले लो आप, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2λ+3, y की वैल्यू -λ+2 और z की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी λ+1। तो ये पॉइंट प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसको आप प्लेन में पुट करें, प्लेन हमारा था 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें प्लेन में पुट करेंगे तीनों वैल्यूज़ तो आप चेक करेंगे λ-1 आ जाएगा, तो जब लैम्डा ही आ गया आपके पास तो इट मीन्स ये पी पॉइंट आ गया आपका, सॉरी ये क्यू पॉइंट आ गया आपका, ठीक है, तो जो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या बनेंगे, ठीक है, यानी पॉइंट ऑन द लाइन है ना, तो वो क्यू पॉइंट आपका, तो ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या बने, लैम्डा की वैल्यू इसमें -1 पुट करें आप तो ये कितना आएगा 1, और इसमें -1 पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -λ+2 ही था ना हमारा, इसमें माइनस ये बनेगा वाई आपका बनेगा, सॉरी क्यू जो बनेगा आपका 2λ-1, ये तो ठीक आ रहा है, λ-1 पुट करेंगे तो ये 2 आ रहा आपका, 2+2 4 हो गया, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करी हमने तो ये 0 आ रहा है, इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जो पी पॉइंट था वो हमारा ऑलरेडी कितना था, 3, 2 एंड 1 था, ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं इजीली, x2, ठीक है, 3-1 का स्क्वायर करके प्लस 4-2 का स्क्वायर प्लस 0-1 का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। और जो अब जो ई मैंने पॉइंट लिया था, आई जो से लिया था, ठीक है, डी ई एफ लिया था, ये तो ये इमेज है आपके पास, ये देखो डायग्राम इमेज है ना, तो ये मिड पॉइंट हो गया क्यू, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दें इसमें, एक बार क्यू पॉइंट द्वारा से चेक कर लें आप, माइनस लैम्डा, ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे करेंगे डी ये 3+d/2 इज इक्वल टू क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1 है इस तरह से, ठीक है, और इसी तरह से 2+f/2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, और थर्ड है एफ 2+e, उसके बाद है 1+f/2 इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से आपने ई मतलब कि डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं, तो ये आपका आई पॉइंट आ जाएगा, यही हमें फाइंड आउट करना था बच्चों, ठीक है बच्चों, बाकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी हो सकती है, ठीक है, बाकी जो मेथड है वो बिल्कुल सही है सारा इसको करने का, ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 2019 का पेपर, इसके बाद हम करेंगे जो लास्ट पेपर बचा है हमारा 2020 का, ठीक है, तो इसको एक बार आप करके देख लेना, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, थैंक यू वेरी मच।